मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कनाडा के हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटीज के वजीर रिहायशी बहरान खत्म करने के लिए पुरअज़म। लिबरल काबीना की हाउसिंग माहरीन के साथ बैठक। माहरीन का कहना है कि उनकी सिफारिशात जल्द ही लिबरल पॉलिसी बन सकती हैं। कनाडा के सूबे कोलंबिया में जंगल की आग ने हर तरफ तबाही मचा दी। कैलोना में बारिश और मुमकिन गरज चमक के साथ तूफान की पेशगोई। 27,000 से ज्यादा अफराद इनखला पर मजबूर। अपने खानदान की राजदारी का ख्याल रखने पर ट्रूडो का कैनेडियन आवाम से इजहार तशक्कुर। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि कैनेडियन शहरी इंतहाई मेहरबान और नाकाबले यकीन हद तक फराख दिल हैं। मैंने अपने खानदान के साथ बहुत अच्छे 10 दिन गुजारे। समंदरी तूफान हैरियट टेक्सास के जुनूबी साहिलों से टकरा गया। चिली में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाके पानी में डूब गए। एमरजेंसी नाफिस। यूनान के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। 18 अफराद झुलस कर हलाक हो गए। सऊदी इसराइल ताल्लुकात में पेशरफ बड़ी बात होगी, कोशिश जारी है। अमेरिका का कहना है कि सऊदी अरब और इसराइल के साथ मशावरत जारी रखेंगे। हम मशरिक वस्ता को मरबूत देखने के ख्वाहिशमंद हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an Ecofresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, PNP एंड PR वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Housing, infrastructure और communities के वजीर शॉन फ्रेजर ने काबीना के इजलास के मौके पर एक इंटरव्यू में कहा कि हमने यकीनी तौर पर एक बहरानी सूरत हाल का सामना किया है, खास तौर पर उन खानदानों के लिए जो शदीद हाउसिंग चैलेंजेस के साथ रह रहे हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटीज़ के वजीर शॉन फ्रेजर ने काबीना के इजलास के मौके पर एक इंटरव्यू में कहा कि हमने यकीनी तौर पर एक बहरानी सूरत हाल का सामना किया है, ख़ास तौर पर उन ख़ानदानों के लिए जो शदीद हाउसिंग चैलेंजेस के साथ रह रहे हैं। कौमी बहरान आप पर किस तरह असरानंदाज होता है, उसकी सही नौयत ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ लोगों के दरमियान बहुत मुख्तलिफ होती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे मेरी हैसियत में किसी ऐसे शख्स के लिए कोई फ़ायदा होगा जो इन चैलेंजेस को हल करने में कायदाना किरदार अदा करना चाहता हो, ताकि इसकी वसत को नज़रअंदाज किया जा सके। एक हालिया रिपोर्ट के मुसन्निफीन, जिसमें विफाकी हुकूमत को कनाडा के हाउसिंग मार्केट में सस्ती बहाल करने का एक तरीका पेश किया गया है, का कहना है कि वो पुरुमीद हैं कि शार्लेट टाउन PEI में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और उनकी काबीना से खिताब के बाद उनकी सिफारिशात जल्द ही लिबरल पॉलिसी बन सकती हैं। कैनेडियन अलायंस टू एंड होम लेसनेस के सदर और CEO टिम रैक्टर ने कहा कि सस्ती रिहाइश की तलाश के बारे में कैनेडियनों को परेशानी को दूर करना जब पॉलिसी की बात आती है तो गार्डियन ग्रह का थोड़ा सा हिस्सा है। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि मेरे ख्याल में हम इस काबिल थे कि इसे किसी भी तरह आगे की राह में ला सकें, लेकिन इससे पहले मेरे ख्याल में हुकूमतें जानती थीं कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन वो वाकई इस बारे में गैर यकीनी थी कि क्या करना है, उनका किरदार क्या है। रेक्टर ने एक हालिया रिपोर्ट का मुसविदा तैयार करने में मदद की कि विफाकी हुकूमत हाउसिंग मार्केटों में यूनिट्स की कमी को कैसे पूरा कर सकती है। कनाडा के रेंटल हाउसिंग बहरान को ख़त्म करने के लिए एक मल्टी सेक्टर अप्रोच के उन्वान से रिपोर्ट हाउसिंग माहरीन
वकालत और सनत के नुमाइंदों के इत्तेहाद ने लिखी थी। मुसन्निफीन का कहना है कि वो ये जाहिर नहीं कर सकते कि बंद दरवाजों के पीछे क्या कहा गया था, लेकिन तजवीज़ किया कि काबीना उनके ख्यालात को कबूल करती है। हम यहाँ उस वक्त तक होंगे जब तक कि वो इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहे होंगे, लेकिन ये कारकुनों और ग्रुप में शामिल दीगर अफराद पर भी लाजिम होगा कि वो हुकूमत को जवाब दे रखें। रिपोर्ट की अहम सिफारिशात में से एक वफाकी हुकूमत से कायदाना किरदार अदा करने और सूबों, इलाकों और म्यूनसिपलिटियों के साथ हम आहंगी पैदा करने का मुतालबा करती है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मजीद रेंटल यूनिट्स बनाए जाएँ। कैनेडा के सूबे कोलंबिया में जंगल की आग ने इस स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है और 27,000 से ज़ायद लोगों को उनके घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडा के सूबे कोलंबिया में जंगल की आग ने इस स्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है और 27,000 से ज्यादा लोगों को उनके घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है। सूबा बदस्तूर हंगामी हालत में है क्योंकि अमला 375 से ज्यादा फाल जंगल की आग से लड़ रहा है। सेंट्रल ओकनागन इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि वो शाम के बकिया हिस्से में मैकडॉगल क्रिक जंगल की आग से किसी भी मौजूदा इनखिला के अहकामात को मंसूख करने की तवक्को नहीं कर रहा है। एक तहरीरी बयान में एजेंसी का कहना है कि उसकी तरजीह रिहायशियों को उनके घरों को वापस लौटाना है, लेकिन हुक्काम अब भी इस बात का जायजा ले रहे हैं कि सबसे ज्यादा मौसर और बरवक्त तरीके से ऐसा कैसे किया जाए। दरी असना माहौलियात कनाडा का कहना है कि मंगल की रात और बुध की दोपहर तक कैलोना में बारिश और मुमकिन गरज चमक के साथ तूफान की पेशगोई की गई है। BC एमरजेंसी मैनेजमेंट के वजीर बावन माँ का कहना है कि सुबह आधी रात को सूबे के जुनूबी अंदरूनी इलाकों में बहुत सी कम्युनिटीज के सफर पर पाबंदी के हुक्म को खत्म कर रहा है। बावन माँ का कहना है कि मगरबी कैलोना का गैर जरूरी सफर अभी ममनू रहेगा और हुक्काम मुसाफरों को झील कंट्री और शो सॉप के इलाके से दूर रहने का सख्ती से मशवरा दे रहे हैं। BC प्रीमियर डेविड एबी का कहना है कि वो सूबे के जुनूबी अंदरूनी इलाकों में जंगल की आग से मुतासर होने वाले लोगों के खदशात को समझते हैं, खास तौर पर वो लोग जिन्हें वहां से निकलने के लिए कहा गया है और वो ऐसा करने से गुरेजा हैं। कैनेडियन ब्लड सर्विसेज ने कैलोना के इलाके से बाहर के लोगों से खून और प्लाज्मा अतिया करने की अपील की है। तंजीम का कहना है कि 200 से ज्यादा अतिया की तकरियों को मनसूख कर दिया गया है, जबकि कम्युनिटी जंगल की आग से दोचार है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियनों का शुक्रिया अदा किया कि वो अपने खानदान की राजदारी का एहतराम करते हैं, जब वो और उनकी अहलिया सूफी ग्रेगर ट्रूडो ने इस माह के शुरू में अलहदगी का ऐलान किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियनों का शुक्रिया अदा किया कि वो अपने खानदान की राजदारी का एहतराम करते हैं, जब वो और उनकी अहलिया सूफी ग्रेगर ट्रूडो ने इस माह के शुरू में अलहदगी का ऐलान किया। ट्रूडो ने PEI में मीडिया की दस्तियाबी के दौरान कहा, मैं वाकई कैनेडियनों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारी प्राइवेसी और हमारी जगह का एहतराम करने के लिए इंतहाई मेहरबान और नाकाबिल यकीन हद तक फराख़दिल हैं। 3 रोज़ा काबीना की वापसी से पहले अलहदगी के ऐलान के बाद से ये उनका पहला अवामी बयान था। मैंने बच्चों पर तवज्जो मरकूज़ करने, एक साथ रहने और आगे बढ़ने पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए खानदान के साथ बहुत अच्छे 10 दिन गुजारे। ट्रूडो और ग्रेगर ने 2 अगस्त को सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए बयानात में अपनी अलहदगी का ऐलान किया। उनकी शादी को 18 साल हो चुके हैं। वजीर आजम 3 रोज़ा काबीना के इजलास के लिए शार्लेट टाउन में हैं, जिसका मकसद एक इंतहाई मुश्किल मौसम बहार और मौसम गर्मा की काबीना में बड़े रद्दोबदल के बाद हुकूमत के जवाल का एजेंडा तैयार करना है। सीनियर हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस तब्दीली का मकसद अगले वफाकी इंतखाबी मुहिम से पहले काबीना को आगे बढ़ाना था। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले कई हफ्तों से पुरजोश ख्वाहिशात के साथ, ज़ाती पैगामात के साथ, ज़ाती कहानियों के साथ रब्ता किया है जो सिर्फ शानदार और मुस्बत रही हैं। समंदरी तूफान हैरल्ड अमरीकी रियासत टेक्सास के जुनूबी साहिलों से टकरा गया। जुनूबी इलाकों में रहने वाले 13 लाख अफराद के लिए समंदरी तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। समंदरी तूफान हैरल्ड अमरीकी रियासत टेक्सास के जुनूबी साहिलों से टकरा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक टेक्सास के जुनूबी साहिली इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मुतासर इलाकों में 7,500 सार्फीन बिजली से महरूम है। सैलाबी सूरत हाल के खदशे की वजह से मवासलाती निज़ाम मुतासर होने का इम्कान है। अमरीकी महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान के ज़ेर असर टेक्सास के साहिली इलाकों में 3 से 5 इंच तक शदीद बारिश का इम्कान है। टेक्सास के जुनूबी इलाकों में रहने वाले 13 लाख अफराद के लिए समंदरी तूफान की वार्निंग जारी कर दी गई है। इलावा अजी अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में
समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी है और शदीद बारिशों के बाद शहरियों को सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी पानी में गाड़ियाँ फंस गई जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दूसरी जानिब चिली में होने वाली शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी, कई इलाके पानी में डूब गए। मुख्तलिफ वाकयात में दो अफराद हलाक हो गए। चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो के जनूबी इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहर सैलाब आने के बाद जेरे आब आ गए हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग की इत्तला भी सामने आई है। हालिया बारिशों से हजारों शहरी बेघर हो गए और सैकड़ों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। जेरे आब आने की वजह से कई इलाकों का जमीनी राबता भी मुनकता हो गया। चिली के सदर ने सूरत हाल के पेश नज़र स्टेट ऑफ एमरजेंसी नाफिज कर दी है। चिली के महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों में मजीद तबाहकुन बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है जिसकी वजह से शहरियों को मोहतात रहने की तलकीन की जाती है। यूनान के जंगलात में लगी आग पर पांचवें रोज भी काबू पाया ना जा सका। गुज़िश्ता रोज़ यूनान के जंगल से गैर कानूनी तौर पर तुर्किया में दाखिल होने की कोशिश के दौरान आतिशजदगी में बुरी तरह जलकर हलाक होने वाले 18 तारिकीन वतन की लाशें मिली थी, जबकि आज मजीद 3 झुलस कर हलाक हो गए। आतिशजदगी में हलाक होने वालों की तादाद 21 हो गई। गैर मुल्की खबरसा इदारे के मुताबिक जंगलात में लगने वाली आग पर मकामी रेस्क्यू टीमों की जानिब से काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। आग ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को राख में बदल दिया है। यूनान के महकमा सेहत का कहना है कि आतिशजदगी में झुलस कर लुक्मा अजल बनने वाले 18 अफराद की लाशें बरामद कर ली गयी। मरने वाले अफराद मुहाजरीन थे जो हाल ही में तुर्किया से यूनान में दाखिल हुए थे। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात में पेशरफ अमरीका के मफाद में है, दोनों ममालिक के दरमियान अमन बड़ी बात है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीका ने कहा है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान अमन बड़ी बात है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात में पेशरफ अमरीका के मफाद में है, दोनों ममालिक के दरमियान अमन बड़ी बात है। अमरीकी मुशीर ने मजीद कहा कि सिविलियन जौहरी अफजूदगी या सऊदी इसराइल ताल्लुकात के हवाले से फौरी तौर पर किसी ऐलान की तवक्को नहीं, इस सिलसिले में अभी बहुत काम करना बाकी है। दोनों ममालिक के दरमियान मामूल के ताल्लुकात के लिए सऊदी अरब और इसराइल से करीबी मशावरत के साथ काम जारी रखेंगे। हम मशरिक वस्ता को मरबूत देखने के ख्वाहिशमंद हैं। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।